हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस तरीका का प्लेट को कोई भी डिग्री में कटिंग करना हो तो कैसे करेंगे। बहुत लोग हमको कमेंट करके पूछ रहे थे कि प्लेट को कोई भी डिग्री में काटना हो तो कैसे काटेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको डिग्री कहाँ से लेकर के कहाँ तक कटिंग करना है, ड्रॉइंग में आपको कितना डिग्री काटना है, या फिर पूरा प्लेट को काटना है, या फिर इधर से लेकर के इधर तक आपको डिग्री काटना है, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिग्री काटना है। जहाँ तक भी आपको काटना हो पहले वो साइज आपको लेना है। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ से लेकर के और पूरा प्लेट को ही काटना है एक तरफ से डिग्री में, 30 डिग्री में काटना हो, 40 डिग्री में काटना हो, 50 डिग्री में काटना हो, 60 डिग्री में काटना हो, तो आपको ये वाला जो साइज है पहले ये साइज लेना है। ये प्लेट का साइज मान के चलिए कि 2 मीटर चौड़ा प्लेट है इस तरीका से, और आपको इसमें 30 डिग्री में कटिंग करना है, 30 डिग्री में इस प्लेट को काटना है एक तरफ से। आपको पहले ये ध्यान देना है कि पूरा प्लेट को काटना है या फिर थोड़ा सा कॉर्नर पे काटना है। अगर मुझे पूरा प्लेट में 30 डिग्री में काटना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो उसके लिए आपको पूरा ये लेंथ लेना होगा। अगर आपको यहाँ से और यहीं तक 30 डिग्री में कटिंग करना है तो आपको इतना ही लेंथ लेना होगा जितना जहां तक आपको डिग्री में कटिंग करना है। तो हमें मान लीजिए कि पूरा प्लेट में डिग्री कटिंग करना है तो हम ये पूरा प्लेट का चौड़ाई वाला लेंथ लेंगे। तो जैसे कि इस प्लेट का जो डायमेंशन है 2 मीटर चौड़ाई है इधर से, और हमें इसमें प्लेट में 30 डिग्री में कटिंग करना है। इसका फॉर्मूला ये है, जैसे आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिग्री इंटू टैन आंसर इंटू चौड़ाई लेंथ। जहां तक आपको डिग्री कटिंग करना है वहां तक आपका ये लेंथ लेना है। इस तरीका से हम कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम टैन पहले सेलेक्ट कर लेंगे। ये टैन जो आप देख रहे हैं, टैन थीटा साइन थीटा जो होता है, टैन पहले लेंगे और हमको 30 डिग्री में कटिंग करना है प्लेट को। कहीं से भी 30 डिग्री में काटना हो, 40 डिग्री में काटना हो, या 50 डिग्री में काटना हो, कोई भी डिग्री में आप काटिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 30 डिग्री और इसको हम बराबर कर दिए। जो आंसर आ गया और जो आंसर ये आया हुआ है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 मीटर और इसको हम बराबर कर दिए। तो यहाँ पे देखिए आंसर आ गया 1 मीटर 154। जो आंसर आएगा, अब जैसे यहाँ पे जो आंसर आया हुआ है जैसे आप देख रहे हैं, तो जैसे ये आंसर आएगा वो यहाँ पे बैक कट आपको यहाँ पे मार्किंग कर देना है और वहां से स्केल पट्टी यहाँ पर लगा करके इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। कोई भी चीज मतलब लाइन डोरी भी आप लगा करके मार्किंग कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे बीच में कटिंग करना है, बीच में से कटिंग करना है, तो कैसे मार्किंग करेंगे? पहले तो एक सीधा आपको मार्किंग करना पड़ेगा जहाँ बीच से आप मार्किंग करना चाहते हैं। जैसे ये सीधा लाइन है, वैसे ही एक बीच में आपको सीधा लाइन खींचना होगा और सीधा लाइन खींचने के बाद आप यहाँ से आपको देखना है कि आपको उस लाइन पे कहाँ पर आपको कटिंग करना है, फुल प्लेट में काटना है या फिर हाफ प्लेट में काटना है या फिर इस प्लेट को बीचों बीच काटना है। और तो आपको क्या करना होगा कि बीच में एक सेंटर लाइन खींचना है और पूरा प्लेट का जो आंसर हमने ले लिया 2 मीटर और जो आंसर आएगा ये सेंटर लाइन जो हम मार्किंग किए हैं, इस सेंटर से आधा इधर मार्किंग करेंगे और ये सेंटर से आधा इधर और उस कॉर्नर से इस कॉर्नर में हम मिला देंगे, तो ये बीचों बीच कट जाएगा। ना ये प्लेट बड़ा होगा ना ये प्लेट बड़ा होगा, दोनों एक बराबर निकलेगा और ये बीचों बीच 45 डिग्री या फिर 30 डिग्री या फिर 20 डिग्री में आपको जितना डिग्री में काटना हो उतने डिग्री में काट सकते हैं।